हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो हमारी कंप्यूटर सीरीज चल रही है उसके पार्ट फोर को डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग जान लें कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड एक सीरीज़ है जिसमें बेसिक क्वेश्चन को अभी केवल डिस्कस किया जा रहा है और इसके तीन पार्ट्स पहले भी चैनल पर अपलोड हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप चैनल पर विजिट करके उसकी प्लेलिस्ट में क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी तक 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे मंडी परिषद एग्ज़ाम और इलाहाबाद हाई कोर्ट जो उत्तर प्रदेश द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, एआरओ का असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी, और जो ट्रिपल सी के हर महीने एग्ज़ाम होते हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है और वीडियो के डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। तो जो आज का टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा पेन ड्राइव के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप पिक देख रहे हैं, ये है पेन ड्राइव का। देखिए, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक में एक एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि मैं उस एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। उसमें 11 AM पे डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं और शाम में रोज़ बेसिक आपके फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके 10 क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एप्लीकेशन मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ और इसमें आप क्वेश्चन को सही करके कुछ पैसे भी अर्न कर सकते हैं। तो ये किसी भी एप्लीकेशन का या ऐप का प्रमोशन नहीं है। अगर आपको लगे कि ये डाउनलोड करना चाहिए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद उसको साइन अप करने के लिए आपको एक पासकोड मांगेगा। तो वो पासकोड मैं दे रही हूँ, उसको बिना आप यूज़ किए साइन अप नहीं कर सकते हैं। तो एक सेकंड, मैं उसका पासकोड आपको बता देती हूँ। देखिए, पासकोड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये है SHWET 28 331। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ये प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, बिना इसके शायद साइन अप नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी बहुत दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे याद नहीं है। अगर आपसे पासकोड मांगेगा तो इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसके बिना आप लोग साइन अप नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्यों इसको मैं कह रही हूँ, इसका कोई एप्लीकेशन को ये प्रमोशन नहीं, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन, इसमें जो 11 AM मॉर्निंग में क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं वो डेली बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं। इससे आपका करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 मिनट ये लगता है। 10 क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं और शाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के 8 PM पे, 7 PM पे और 9 PM पे आप कभी भी देख सकते हैं इसको। इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए, करंट के क्वेश्चन हो गए, जीके के क्वेश्चन हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तक के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो इसमें आपको पैसे भी मिल जाते हैं, बट पैसे से वाली कोई बात नहीं है। बात यह है कि आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और आपकी स्टडीज़ में बहुत ही ये हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगे कि आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी। अगर आपको लगे तो डाउनलोड ज़रूर करिएगा और पासकोड भी एंटर ज़रूर करिएगा। बात ये रही अब हमारी आगे की बात। ठीक है, जैसा कि हम डेली कुछ बेसिक टॉपिक को कंप्यूटर के डिस्कस करते हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है पेन ड्राइव। क्या है पेन ड्राइव? पेन ड्राइव, जिसको हम लोग PD भी कहते हैं, पेन ड्राइव को USB फ्लैश ड्राइव यानी कि USB फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। कई बार पूछा गया है कि क्या फ्लैश ड्राइव को हम लोग PD कहते हैं, तो यस ट्रू, कई बार CCC के एग्ज़ाम में पूछा गया है और मंडी परिषद के एग्ज़ाम में पूछा गया है। पेन ड्राइव वर्तमान डाटा संग्रहण युक्तियों यानी कि डेटा स्टोरेज डिवाइस में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। सेकंड, इसकी संग्रहण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अधिक होती है। देखिए, मिनिमम 1 GB से ये पेन ड्राइव होती है, 2 GB की होती है, 4 GB की होती है, 8, 16, 32, 64 इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, पेन ड्राइव में डाटा के भंडारण एवं उसे पढ़ने हेतु तो फ्लैश मेमोरी तथा एकीकृत USB इंटरफेस का प्रयोग होता है। USB का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो आप पिक्स देख रहे हैं ये है, कई टाइप की पेन ड्राइव्स हैं। सैंडिस्क की पेन ड्राइव आती है, ये सारी पेन ड्राइव्स हैं। आपको कंपनी नाम नहीं याद रखना है, बस ऐसे जानकारी के लिए। देखिए, बहुत लोग को पता होगा कि पेन ड्राइव क्या होती है, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए है ये। देखिए, जो हमारी 30 क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है।
आप उस पर जा करके चैनल पे उसको देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे मंडी परिषद के एग्ज़ाम हो गया, ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो गया, और जो एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके। फिलहाल हमारी आज पार्ट फोर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिक 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? चार ऑप्शन दिया है, डॉट डॉक, डॉट पी पी टी, डॉट एक्स एल एस, डॉट एसेट्स। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा डॉट एक्स एल एस। बात की जाए डॉट डॉक किसका एक्सटेंशन होता है, तो ये होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। बात की जाए डॉट पी पी टी का, तो ये पावर पॉइंट का होता है, पावर पॉइंट का होता है। साथ में आपको याद कर लेना है इनका भी, ये डॉक्यूमेंट का होगा, ये पावर पॉइंट का होगा, ये एक्सेल स्प्रेडशीट का होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है आज का, फॉन्ट किसे कहते हैं? चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पे नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। फॉन्ट होता है कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार। देखिए कंप्यूटर में जब आप टाइप करते हैं तो आप उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड में बहुत डार्क डार्क लिखेगा, ठीक है। थोड़ा अंडरलाइन वाला भी कर सकते हैं, कर्सिव वाला भी कर सकते हैं, आप कर्सिव राइटिंग वाला भी कर सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं। तो फॉन्ट किसे कहते हैं, ये होते हैं कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? पहली बात तो आप लोग याद कर लीजिए, ईमेल क्या होता है, ईमेल में ई क्या स्टैंड करता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये होता क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन। तो हेयर ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। देखिए इसके बाद या मॉर्निंग में लेखपाल 2015 का जीके के क्वेश्चन 12 क्वेश्चन को मैं अपलोड करूँगी, अभी नहीं तो सुबह मॉर्निंग में, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, तो जितनी जल्दी आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें उतना ही अच्छा है, सजेशन है ये, बाकी आप लोग की मर्ज़ी। क्वेश्चन है, पिक्सल क्या होते हैं? चार ऑप्शन दिया है, तो ये होते हैं स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होता है, इसका सही आंसर होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन उतने ज़्यादा पिक्सल, ठीक है। पिक्सल होते क्या हैं अभी हमने डिस्कस किया, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट। तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है वायरलेस। ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में ये आंसर दे रखा है, बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी केबल, बिना किसी वायर के, तो मतलब वायरलेस। हेयर ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के लिए प्रयुक्त तकनीकी एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है MICR, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। याद रखिएगा तीन तो सही हो जाता है, चौथे वाला जो आर होता है इसमें कन्फ्यूज़न होती है, तो याद रखिएगा रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए है हमारा सही आंसर। आठवां प्रश्न है आज का, डॉट बेस, डॉट डॉक, डॉट एच टी एम, ये किसका उदाहरण है? देखिए पहले ही क्वेश्चन में हमने आपसे डिस्कस किया था ये सभी क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटेंशन, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पर आ गया, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन। ये सभी क्या है, एक्सटेंशन। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, मॉडर्न टेलीफोन लाइन और डैश के बीच क्या जुड़ा होता है? चार ऑप्शन है, नेटवर्क, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन अडॉप्टर या सीरियल पोर्ट। और इसका सही आंसर होगा मॉडर्न टेलीफोन लाइन और डैश के बीच में जुड़ा होता है कंप्यूटर। ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है? ठीक है, पेंट वेब ब्राउज़र नहीं है, पावर पॉइंट वेब ब्राउज़र नहीं है, वर्ल्ड ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये सारे कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं एक्सेप्ट
फायरफॉक्स। फायरफॉक्स के अलावा ये सारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हैं जिस पे आप कंप्यूटर पे पेंट के द्वारा पेंट कर सकते हैं, पावर पॉइंट के द्वारा आप डॉक्यूमेंट्स या पीपीटी बना सकते हैं, वर्ल्ड में भी आप काम कर सकते हैं। फायरफॉक्स क्या होता है, ये एक वेब ब्राउज़र है, इस पे आप सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर। देखिए ये कुछ कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 4 था इसका। इससे पहले कंप्यूटर के 3 पार्ट चैनल पे अपलोड हैं, उनकी प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, वो जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, किसी भी एप्लीकेशन का ये प्रमोशन नहीं है, नॉलेजेबल एप्लीकेशन है। आपको लगे तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।